आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण हम विभिन्न प्रकार की हमारे देखते हैं कि प्रकृति में प्रोटीन पाई जाती है और प्राप्ति के साधनों के आधार पर, गुणों के आधार पर अलग अलग तरह की प्रोटीन हमें मिलती है। तो तीन बेसिस पर, तीन आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है प्राप्ति के साधनों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, जहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। दूसरा है उनके अंदर उपस्थित पौष्टिक तत्वों के आधार पर, न्यूट्रिटिव वैल्यू। तीसरा है केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना के आधार पर, संगठन कैसा है, संरचना कैसी है। सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्राप्ति के साधनों के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर प्रोटीन को दो वर्गों में बांटा जाता है, जंतु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, जो हमें पौधों से मिलती है। जो एनिमल प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ए ग्रेड की होती है, ए ग्रेड उच्च क्वालिटी की, क्योंकि ये शरीर में वृद्धि कर सकती है, मुरम्मत कर सकती है, शरीर का निर्माण कर सकती है और बहुत अधिक यूजफुल होती है। शरीर का निर्माण करने के इनकी वैल्यू 90-95% तक होती है। शरीर में निर्माणक कार्य करने का इनकी वैल्यू, बॉडी बिल्डिंग वैल्यू इनकी 90-95% होती है। और ये जो प्रोटीन होती है इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं उपस्थित होते हैं और उचित मात्रा में होते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट भी हैं और जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये वाली जो प्रोटीन होती है एनिमल सोर्सेज में हमें दूध और दूध से बने हुए पदार्थों से प्राप्त होती है और अंडा, मांस, मछली से हमें मिलती है। जो अंडे की प्रोटीन होती है उसको हम स्टैंडर्ड प्रोटीन या रेफरेंस प्रोटीन मान सकते हैं कि सबसे बेस्ट वही है और उसके आधार पर हम दूसरी प्रोटीन को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि उससे वो कितनी अच्छी है या कितनी कमी है। सेकेंड है वेजिटेबल प्रोटीन, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ये प्रोटीन शरीर के निर्माण का काम 35-40% वैल्यू जो है इसकी, बिल्डिंग शरीर निर्माणक मूल्य, बॉडी बिल्डिंग वैल्यू 35-40% की होती है। और ये हमारे शरीर में जो सूखे मेवे हैं उनसे मिलने वाली प्रोटीन और सोयाबीन की प्रोटीन, ये शरीर का निर्माण का काम करने में हाई होती है, अच्छी होती है। और ये सूखे मेवे और सोयाबीन की प्रोटीन की तुलना हम एनिमल प्रोटीन से भी कर सकते हैं, लेकिन अनाज और दालों से मिलने वाली जो प्रोटीन है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। वेजिटेबल प्रोटीन को हम तीन ग्रेड में बांट सकते हैं, फर्स्ट क्वालिटी या प्रथम श्रेणी की प्रोटीन, सेकेंड श्रेणी की और थर्ड श्रेणी की प्रोटीन। जो फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन होती है जो हमें सूखे मेवे और सोयाबीन से मिलती है, ये शरीर का निर्माण कर सकती है, अच्छी किस्म की प्रोटीन होती है। सेकेंड श्रेणी की जो प्रोटीन है जो दालों और अनाज में मिलती है, ये शरीर को निर्माण का कार्य अकेले प्रोटीन ये नहीं कर सकती और ये प्रोटीन आपस में मिलाकर, कि एक में कोई अमीनो अम्ल कम है दूसरा साथ में मिला दिया, जैसे अनाज और दालों को मिला दिया या आटे में मिसी रोटी हम बनाते हैं, तो उनसे इसकी प्रोटीन को सुधारा जा सकता है। और जब ये बड़े होने पर जीवित रहने के लिए इस तरह की प्रोटीन अडल्ट में, प्रौढ़ व्यक्तियों में इसके द्वारा व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है। फिर तीसरी प्रकार की प्रोटीन, ये इस प्रोटीन जो है मक्का में पाई जाने वाली जीन प्रोटीन और फल सब्जियों में पाई जाने वाली प्रोटीन इसका उदाहरण है। इसके अलावा जिलेटिन है, जिलेटिन एक एनिमल प्रोटीन है और केवल यही एनिमल प्रोटीन है जो कि इनकम्प्लीट या अधूरी होती है, बाकी एनिमल प्रोटीन सारी पूरी मानी जाती है। तो इस प्रोटीन के ऊपर हम जीवित भी नहीं रह सकते अगर सिर्फ यही हम खाकर जीना चाहें तो, ठीक है। तो ये थर्ड क्वालिटी की प्रोटीन्स को रखा गया है, ये हमारे शरीर में निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकती और व्यक्ति को जीवित रहने में भी पूरी तरह से स्वस्थ रहने में नहीं मदद करती। दूसरा है न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर पोषक मूल्य, प्रोटीन में पोषक मूल्य। पोषक मूल्य हम कैसे देखेंगे, जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल कितनी संख्या में है और उनकी मात्रा कितनी है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या और उनकी मात्रा, ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल हमें भोजन से ही लेने जरूरी होते हैं, तो वो सारे कितने प्रेजेंट हैं और कितनी मात्रा में है,
अच्छी प्रोटीन में वो सबके सब प्रेजेंट भी होते हैं और उचित मात्रा में भी होते हैं। इस आधार पर हम प्रोटीन को तीन वर्गों में बांट सकते हैं, कंप्लीट प्रोटीन, सेमी कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है, पूर्ण और ये मध्यम पूर्ण और या आंशिक पूर्ण भी कह सकते हैं और अपूर्ण अधूरी। कंप्लीट प्रोटीन वो होती है जिसकी हमें वांछित है, जो हमें चाहिए, ऐसी प्रोटीन होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन होती है जिसमें सभी जो शरीर की वृद्धि कर सकती है, मरम्मत कर सकती है, निर्माण कर सकती है, बहुत उपयोगी होती है, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उचित मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो अंडे के पीले भाग में पाई जाने वाली ओवल एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूध में पाई जाने वाली केसिन और भी प्रोटीन और सोयाबीन में पाई जाने वाली ग्लाइसिन ग्लाइसिनिन प्रोटीन जो है ये कंप्लीट प्रोटीन का एग्जांपल होते हैं और ये फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन जो है वो इसी में आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोयाबीन के अलावा सूखे मेवों में भी ये प्रोटीन होती है। फिर है सेमी कम्प्लीट प्रोटीन वो होती है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाए जाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें पूरे होते हैं, जितनी मात्रा में चाहिए उतने होते हैं, इसमें कम मात्रा में होते हैं। और नॉर्मली कमी कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल की होती है, लाइसिन और थ्रियोनिन अमीनो अम्ल कम मात्रा में होते हैं। ये प्रोटीन व्यक्ति को जीवित रहने में तो सहायता करती है, व्यक्ति इसको खाकर जिंदा तो रह सकता है, लेकिन इन तीनों कामों को ये नहीं कर सकती, ना शरीर में विकास होगा, ना शरीर की वृद्धि मरम्मत होगी और ना शरीर को बीमारियों से सुरक्षा देने का काम, इम्यूनिटी देने का काम जो प्रोटीन का होता है वो काम भी ये प्रोटीन नहीं करेगी। ये प्रोटीन जो होती है सेमी कम्प्लीट प्रोटीन, गेहूं में पाई जाने वाली ग्लाइडिन प्रोटीन, सोयाबीन में पाई जाने वाली लेग्यूमिलिन प्रोटीन, सोयाबीन की देखो ये वाली ग्लाइसिनिन प्रोटीन जो है ये पूर्ण है और सोयाबीन में ही ये जो प्रोटीन है ये अपूर्ण सेमी कम्प्लीट है, ठीक है। सोयाबीन की तो सोयाबीन में दो अलग अलग तरह की प्रोटीन भी ये हैं। मटर में पाई जाने वाली लेग्यूमिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है अगर व्यस्क व्यक्ति बच्चों को अगर ये प्रोटीन देते हैं तो उनमें ग्रोथ वृद्धि नहीं होगी, लेकिन बड़े होने पर हमारी ग्रोथ नहीं होती है तो वहाँ पर ये मिक्स करके अनाज दालों को मिलाकर या अलग अलग तरह के अनाज मिलाकर जो हम बनाते हैं खाना वो यूज़ करते हैं, तो ये इसको इस पर व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये सेकंड क्वालिटी की प्रोटीन होती है। उसके बाद तीसरा है इनकम्प्लीट में बहुत कम मात्रा में आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अकेले इस पर अगर व्यक्ति जीवित रहना चाहे तो ना उसमें विकास होगा, ना उसमें वृद्धि होगी, ना उसको बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी, ना वो जिंदा रह सकता है। ये थर्ड क्वालिटी की प्रोटीन होती है। और थर्ड क्वालिटी की प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, मक्के की जीन प्रोटीन, फल सब्जियों में पाई जाने वाली प्रोटीन और जिलेटिन में पाई जाने वाली प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संरचना संगठन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। इस आधार पर प्रोटीन को तीन वर्गों में बांटा गया है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होती है जिसका हाइड्रोलिसिस जब किया जाए तो उसके बाद वो केवल अमीनो अम्ल में ही बटे, अमीनो अम्ल में ही खंडित होने पर वो सिर्फ अमीनो अम्ल बने। तो इसमें अंडे में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो इसमें आती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, बालों में पाई जाने वाली कैरेटिन प्रोटीन, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन और हमारी मसल्स में पाई जाने वाली कोलेजन प्रोटीन, गेहूं में पाई जाने वाली ग्लूटामिन प्रोटीन जो है इसका उदाहरण होती है। नेक्स्ट है कंजुगेटेड, या जिस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ कोई दूसरा पदार्थ या अणु भी जुड़ा हुआ है उसको कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। मतलब तो अमीनो अम्ल प्लस कोई दूसरा पदार्थ, अब वो दूसरा पदार्थ क्या हो सकता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें दूसरा पदार्थ ग्लाइकोजन होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये वाली प्रोटीन मुख में जो लाल रस में म्यूसिन पाई जाती है
म्यूसिन एंजाइम है, वो म्यूसिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल की वजह से ये प्रोटीन मिली हुई है। और जो हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि के में पाया जाने वाला थाइमोन्यूक्लिक एसिड इसका उदाहरण है। तीसरा है फॉस्फोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस होता है, तो ये दूध की कैसिनोजन प्रोटीन और अंडे में पाई जाने वाली ओवोवाइटलिन प्रोटीन इसका उदाहरण है। उसके बाद है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन लिपिड, लिपिड क्या होती है, वसा, फैट, फैट और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन मिलकर ये बनाते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं में ये उपस्थित होती है। पांचवें नंबर पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम होता है आयरन, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन वो होती है जो प्रोटीन को हम खंडित करते हैं। प्रोटीन खंडित होती है अमल की क्रिया से, अक्षार की क्रिया से, जल के साथ या एंजाइम्स के द्वारा पाचन संस्थान में। तो जब वो खंडित होती है तो वो प्रोटीन किन किन भागों में बढ़ती है उसके आधार पर है। फर्स्ट है प्राइमरी, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, सेकेंड है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन वो होती है जो अमल, अक्षार, ताप, हवा का इनके ऊपर बहुत कम असर होता है, खंडित नहीं होती, वो जम जाती है तो उसके बाद ये बनती है। इसमें प्रोटीन्स और मेटाप्रोटीन्स इसके एग्जांपल हैं। जैसे कि कच्चा अंडा है, उसको हम पकाने लगते हैं तो वो जम सा जाता है, ऐसे ही मांस जो है उसको पकाना शुरू करते हैं, वो थोड़ा सख्त सा होना शुरू हो जाता है। और रक्त भी, ब्लड भी जब शरीर में बह रहा है उसके बाद जब बाहर वायुमंडल में संपर्क में आता है तो कुछ चीज़ों के संपर्क में आकर वो जम जाता है, कोएगुलेशन, जम जाना। तो ये प्रोटीन जो है ये इन जमना जम जाती है। उसके बाद है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में पेप्टोन्स आते हैं, प्रोटीओसिस आते हैं और पेप्टाइड्स आते हैं। हमारे पाचन संस्थान में जब थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन जो है वो खंडित होने पर पेप्टियोन्स में बदलती है, प्रोटियोसिस में और पेप्टाइड्स में बदलती है। पेप्टोन्स की जो प्रोटीन होती है वो अघुलनशील होती है और ताप के ऊपर वो जमती नहीं है। इसी तरह से प्रोटियोसिस वाली प्रोटीन भी अघुलनशील है जल में और ताप के द्वारा वो जमती नहीं है। तीसरा है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स वाली जो प्रोटीन है ये अलग अलग प्रकार की होती है, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, तो ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है जो खंडित होने के बाद बनती है। और ये पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स की बाद में खंडित होकर लास्ट में फिर अमीनो अम्ल में बदलते हैं और भोजन में प्रोटीन का पाचन कम्प्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वाला टॉपिक जो है हमारा कम्प्लीट हो गया। Thank you.